प्रजातंत्र एक ऐसी व्यवस्था जहां जनता का शासन होता है, फिर चाहे सरकार हो, नेता हो या कोई सरकारी कर्मचारी, सब जनता के हित में ही कार्य करते हैं। लेकिन अगर ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था में जनता परेशान रहे, नेताओं के झूठे वादों से हताश रहे, रात में घर से निकलने में डर लगे, सर पर अपनी दुकान, जमीनों पर नाजायज कब्जों का डर मंडराता रहे, 10-15% ब्याज लेने वालों का गुंडा राज सहना पड़े, और इन सब से ऊपर अगर आपके क्षेत्र का विधायक आपके क्षेत्र का ना हो और सारा समय वो राजधानी में बिताए ना कि अपने क्षेत्र में, तो प्रजातंत्र केवल नाम का रह जाता है। ऐसे में एक युग पुरुष की आवश्यकता है जो जनता के बीच का हो, जो अपने किए वादों को पूरी ईमानदारी से निभाए और अपना जीवन जनता के हित के लिए समर्पित कर दे। ऐसे ही युग पुरुष का नाम है पंडित शिवचरण लाल शर्मा। कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ठीक वैसे ही पंडित शिव चरण लाल शर्मा की शख्सियत किसी परिचय की मोहताज नहीं है। उनके क्षेत्र फरीदाबाद NIT 86 का विकास ही उनका परिचय है। फरीदाबाद का NIT विधानसभा क्षेत्र 86 अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस क्षेत्र की उन्नति के लिए, विकास के लिए पंडित शिवचरण लाल शर्मा ने बहुत कार्य किया है। सारे क्षेत्र में विकास की झड़ी लग गई है। सारी की सारी जो क्षेत्र की जनता है वो चाहती है कि पंडित शिवचरण लाल शर्मा यहाँ से दोबारा से इसी तरह से जीतें और ये विकास कार्य जो शुरू किया गया है ये आगे बढ़ता रहे। कहते हैं सफलता को संभालना कठिन काम है, क्योंकि सफलता में मनुष्य के पांव जमीन से उखड़ सकते हैं, लेकिन पंडित जी ने इसके ठीक विपरीत अपनी सफलता को जनता के हित में समर्पित कर दिया। 1994 में नगर निगम पार्षद नियुक्त होने पर उनकी सफलता का अभियान शुरू हुआ, जनता के लिए उनके समर्पण की गाथा। 1999 में फिर से इसी पद पर नियुक्त हुए और साथ ही सीनियर डिप्यूटी मेयर का कार्यभार संभाला। 2004, फिर 2009 हमेशा अपने वायदों पर खरे उतरे और अपने क्षेत्र जवाहर कॉलोनी के विकास का नया इतिहास लिख डाला। आज जो भी विकास हुआ है वो पंडित जी की बदौलत हुआ है और पंडित जी जो भी वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। 2009 में जनता के प्रेम और विश्वास की बदौलत वो विधायक नियुक्त किए गए। फरीदाबाद NIT 86 को एक महानायक मिल गया था। ये उनके निस्वार्थ प्रयत्नों का परिणाम था कि वो आजाद उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े और जीते। परिणाम स्वरूप उन्हें श्रम और रोजगार मंत्री का महत्वपूर्ण कार्यभार देकर सम्मानित किया गया। ये सम्मान लेकर पंडित जी ने सब विधायकों की तरह चंडीगढ़ में एक आरामदायक जीवन नहीं बिताया, बल्कि अपने क्षेत्र की जनता से किए गए वायदों को निभाया और अपना जीवन विकास को समर्पित कर दिया। उन्होंने चुनाव से पहले जो भी विकास के वायदे किए थे उन्हें बखूबी निभाया, और यही नहीं उन वायदों के अतिरिक्त भी विकास का नया इतिहास लिख डाला। क्योंकि मेरे इलाके में कभी विकास कार्य हुए नहीं, 40 साल दूसरे MLA बनते रहे, उन्होंने कभी हमारे कॉलोनियों की तरफ, गांव की तरफ ध्यान नहीं दिया। कॉलोनियों में कोई सुविधा थी नहीं। जब मैं इलेक्शन लड़ा तो मैंने ये वादा किया था कि अगर मुझे भेजेगी जनता
तो मैं इनको सारी चीज़ें दिलवाऊंगा। तो मेरे दिमाग में वो मेरा वादा भी था और बिना मेहनत के कुछ होता नहीं। चंडीगढ़ में क्या लेना था मैंने एयर कंडीशन में बैठ करके, इसीलिए मुझे यहाँ रहना पड़ा क्योंकि मैंने काम कराने थे, जनता का हित देखना था। पंडित जी लोगों के लिए हमेशा उपस्थित रहे, कोई भी निर्भय होकर कभी भी अपनी परेशानी उन्हें बता सकता था। पंडित जी से हम कभी भी जाकर मिल सकते हैं और वो हमेशा हमारी बात को सुनते हैं। वो दूसरे विधायकों की तरह नहीं है कि एक बार बनने के बाद वो क्षेत्र में नजर ही नहीं आते हैं, लेकिन पंडित जी का पूरा सहयोग रहता है। जनता आती है, जिसका जो काम होता है उस बाबू से बातचीत करती है, उसके बाद मेरे से मिलती है, मेरे जो लड़का है सीनियर डिप्टी मेयर है उससे मिलती है, और मेरी घरवाली पार्षद नगर निगम है उससे मिलती है। जो भी कोई काम जिसके पास है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है उसको संतुष्ट करने की और उसका काम करने के लिए, इसीलिए मेरे पास भीड़ लगी रहती है। उनको संतुष्ट करके ही हम लोग भेजते हैं। बहुत दिन के बाद इन्होंने चांद को देखा है, जब चांद देखा है तो चांद की रोशनी का फायदा ये पूरा उठाएंगे। अब तक विकास से वंचित NIT फरीदाबाद का क्षेत्र पंडित जी की छत्र छाया में अचानक विकास का नया इतिहास लिखने लगा था। फिर चाहे वो गौंची ड्रेन का नवीनीकरण हो या क्षेत्र का खुद का हॉस्पिटल हो, सब तहसील की मंजूरी हो, क्षेत्र का अपना कॉलेज हो या अपना खुद का स्टेडियम हो, मेरे इलाके में शिक्षा की बहुत कमी थी। प्राइमरी स्कूल नहीं थे, दसवीं के स्कूल नहीं थे, बारहवीं के स्कूल नहीं थे, तो मैंने कई प्राइमरी स्कूल बनवाए। वो जब बने, जब मैं इलाके में रहा हूँ, कई जो पुराने दसवीं गांव में कहीं कहीं दूर दूरी पर थे उनको अपग्रेड करा करके बारहवीं कराया। एक मेरे पास सारण गांव का स्कूल था खाली, और कोई स्कूल ही नहीं था सरकारी, इसको मैंने अपग्रेड करा करके बारहवीं तक ले गया। कॉलेज की स्थापना की, कॉलेज मैंने यहाँ खेड़ी में बनाया है जिसमें 4000 बच्चे पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल इस साल तो लड़का और लड़की दोनों पढ़ेंगे, और अगली साल मैं लड़कियों का कॉलेज अलग बनाऊंगा, ये कॉलेज अलग चलेगा, लड़कियों का अलग चलेगा। कॉलेज की बहुत कमी है, लड़कियां बिना पढ़े रह जाती हैं, दूर हम भेजें तो कैसे भेजें, काफ़ी दूरी पर है, इसलिए मैं लड़कों के कॉलेज के साथ भी लड़कियों का कॉलेज अब इस साल बनवाऊँगा, जिससे कि मेरे लड़के और लड़की दोनों पढ़ सकें, इलाका तरक्की कर सकें। जिस परिवार में बच्चा पढ़ा लिखा होता है वो परिवार तरक्की करता है, और जिसमें बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है वो परिवार तरक्की नहीं करता, इसलिए एजुकेशन का होना बहुत ही जरूरी है। पंडित जी ने हर संभव प्रयत्न किया है NIT 86 के विकास के लिए। जितने भी उनके आगे मांगे रखी गई वो सब उन्होंने बहुत अच्छे से पूरी की है। 25 बेड का तो एक हॉस्पिटल दिया हमारे को, यहाँ पे एक कॉलेज दिया उन्होंने हमारे को, ये सोना रोड पे। आज हमारे सेक्टर में सीवरेज की कोई समस्या नहीं है, आज हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती कहीं से भी। NIT का विकास पंडित जी के बिना असंभव था। उन्होंने गोची ड्रेन का काम करवाया, स्कूल खुलवाए हैं, मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, वो भी काम हमारे लिए बहुत उससे सुविधा मिल जाएगी लोगों को। हमारे लिए तो पंडित जी सरकार हैं। पंडित जी ने शहर को आधुनिक और गाँव को स्वावलंबी बना दिया है। बात अगर शहर के क्षेत्र की करें तो सेक्टर्स और कॉलोनीज का बदला स्वरूप विकास का पुख्ता प्रमाण है लेजर वैली पार्क डबुआ कॉलोनी। डबुआ के पास जो लेजर वैली बनाई गई है वो अपने आप में न केवल NIT क्षेत्र के लिए बल्कि सारे फरीदाबाद के लिए एक उदाहरण है, और उसमें घूमने के लिए सुबह शाम लोग जाते हैं, और देखा जाए तो एक बहुत बड़े पार्क का वहां पर विकास हो चुका है। डबुआ कॉलोनी में महिला सिलाई प्रशिक्षण केंद्र, ये रोजगार योजना पंडित शिवचरण शर्मा जी ने लागू की है, और यहाँ से हजारों लेडीजें सिलाई सीख के शाही एक्सपोर्ट में नौकरी करती हैं, जिससे उनका अच्छा सा रोजगार चलता है। डबुआ सब्जी मंडी में किसान भवन,
सेक्टर 55-56 को जोड़ने वाले पुल का निर्माण। पहले पुल नहीं था, इसलिए हमें पहले यहाँ से बहुत दूर जाना, 3-4 किलोमीटर जाना पड़ता था। पुल बनने से हमें बहुत राहत मिली है और सोना रोड जाने के लिए बहुत आसान हो गया है। पानी की बेहतर सप्लाई के लिए पानी की टंकियां, कंक्रीट सड़कें और सीवरेज, ये सब विकास की झलक मात्र हैं। इसके अलावा पंडित जी ने वो कमाल कर दिखाया जो एक सच्चा समाज सुधारक और जनता से प्रेम करने वाला नेता ही कर सकता है। समाज के सभी वर्गों और सभी धर्मों के लोगों की परंपराओं और निष्ठा को ध्यान में रखते हुए जहां एक ओर पंडित जी ने अपने क्षेत्र में दशहरा के पर्व की शुरुआत की, वहीं मुस्लिम समाज के साथ रोजा इफ्तार के भोज का भी आयोजन किया। यही नहीं, उत्तर पूर्व से आए भाइयों के पारंपरिक पर्व छठ को ध्यान में रखते हुए अनेक छठ घाटों का निर्माण करवाया गया। मैं दरअसल में धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी हूँ, हर आदमी में अपना ये समझता हूँ कि वो ईश्वर ने बना करके भेजा है। 36 बिरादरी है, मैं सबको बराबर प्यार करता हूँ। प्यार करने का कारण है कि जब आदमी मरता है तो 36 बिरादरी उसके साथ शमशान जाती है, तो फिर भेदभाव किस बात का। तो मैं किसी भी चीज़ में भेदभाव नहीं रखता। ऐसा कार्य केवल एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष नेता ही कर सकता है। पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी सब धर्मों को एक समान समझते हैं और सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं। हम सब यही मानते हैं कि पंडित जी जैसा इंसान कोई दूसरा नहीं है। पंडित जी के कार्यक्षेत्र में 21 गांव और 14 पंचायतें भी आती हैं। उनका विकास भला कैसे पीछे रह सकता था। पंडित शिवचरण शर्मा जी ने ग्रामीण क्षेत्र को भी शहर के निकट लाकर खड़ा कर डाला। ग्रामीण क्षेत्र में स्कूलों को वरिष्ठ माध्यमिक का दर्जा, कब्रिस्तान और शमशान घाट का निर्माण, सामुदायिक भवन लोगों को समर्पित किया गया, शहरी क्षेत्र की तरह कंक्रीट सड़कों का जाल। पहले हमारे स्कूल 10वीं से 12वीं कराया गया, फिर हमारे गांव में ये बारात घर बनाया गया। हमारे यहाँ कब्रिस्तान की बाउंड्री, चार दीवारी, लाइटें सभी उपलब्ध कराई हैं। हमारे गांव में पहले सारी कच्ची गलियां थी, सारी लेंटर डलवा दिए, पक्की गलियां बनवा दी, नालियां सारी बनवा दी, ये सड़क काफी दिन से टूटी हुई थी, ये सड़कें भी बनवा दी। पंडित जी के बारे में अगर ये कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेक नियत, नेक इरादे, पंडित जी ने पूरे किए हैं सारे वायदे। अब 2014 में मिशन 2014 के तहत पंडित जी का वायदा है कि गुड़गांव की तर्ज पर फरीदाबाद एनआईटी में भी नहर के माध्यम से मीठे पीने के पानी की व्यवस्था की जाएगी। जनता के लिए संदेश देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से 40 साल से दुखी रही है मेरी पब्लिक, आपके 5 साल में मैं जनता की सारी कमियां, जितनी भी कमियां रही हैं, उन सबको पूरा करूंगा। सबसे पहले तो पानी की कमी मेरे इलाके में है, पानी पर्याप्त नहीं मिलता, टैंकरों से पूर्ति होती है और गरीब आदमी टैंकर से कब तक खरीदता रहेगा। तो सबसे पहले मैं पीने का पानी लाऊंगा और गुड़गांव में जो नहर का पानी आता है उस पानी को लेकर के आऊँगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। दूसरा, लड़कियों का कॉलेज भी ज़रूर लाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और तीसरा, मुसलमानों की आबादी मेरे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है, मुसलमानों के लिए भी एक कॉलेज लाऊंगा। सिर्फ मेरे 3 वादे हैं पब्लिक के सामने और तीनों काम मैं करा के रहूँगा, ये मेरा संकल्प है। और हमेशा की तरह ये वादा भी यकीनन निभाया जाएगा। जनता से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपने बड़े खुशी के साथ, बड़े प्रेम के साथ बड़ी मेहनत की और मेहनत करके मुझे इस साल जिताया और मुझे विधानसभा में भेजा। जितनी सेवा मेरे से हो सकती थी, खूब दिन रात मेहनत करके मैंने पूरे काम किए हैं
और जो कमी रह गई हैं, मैं फिर अपील करता हूं कि 5 साल और मुझे टाइम दो, जिससे कि मेरे बच्चों का भविष्य बने, आदमी खुशहाल हो। तो इसी तरीके से एक मिनी भारत बनाना चाहता हूं मैं अपने क्षेत्र को। हरियाणा के अंदर नंबर एक पर NIT छाती होगा, ये मेरा वादा है, ये मेरी प्रतिज्ञा है। 2014 के विधानसभा के चुनाव निकट हैं और किसी भी तरह के चुनावी दंगल से दूर पंडित जी का एक ही नारा है, आओ मिलकर चलें एक और कदम विकास की ओर। हम चाहते हैं कि एक दफा 5 साल वो फिर आए हमारे सामने। पंडित जी जो बोलते हैं वही करते हैं, ऐसा ही हमें विधायक आगे भी चाहिए। पंडित जी एक बड़े हीरो आदमी है, बड़े अच्छे काम किए हैं। ऐसे विधायक साहब को हम दोबारा लाना चाहेंगे, हम पंडित जी के साथ हैं। आओ मिलकर चलें हम सब एक और कदम विकास की ओर। पंडित शिव चरण लाल शर्मा, जन सेवा में समर्पित।